सेम वैसे ही सिम्टम फील हो रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल भी बेड से भी उठने का मन नहीं कर रहा, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे गले में भी थोड़ा पेन है, डर भी लग रहा है थोड़ा ये देख के कि मुझे फिर से हॉस्पिटलाइज ना होना पड़ जाए। ये मेरा टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल श्रू एंड यू। सो गाइज़ मैं अभी उठ चुकी हूँ और मैंने अपना बाथ भी ले लिया है टाइम से, बट आज ना मैं अपने ब्रेकफास्ट में थोड़ा लेट हो गई हूँ। अभी बज रही हैं 12:30 और इस टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। अब ब्रेकफास्ट ही कैसे, तो अब मैं ब्रंच ही कंसिडर करूँगी और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। आज मम्मा ने बनाए हैं आलू के पराठे, गोभी आलू, एंड मैं थोड़ी सी चाय पी रही हूँ क्योंकि ना मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन है। मैं परसों हनुमान मंदिर गई थी तो वहाँ पे ना मैंने कचौड़ी खा ली और वो बहुत ज़्यादा ऑयली थी, उसके ऊपर ही मैंने ना सोडा पी लिया, तो उसकी वजह से जो मेरा गला है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसकी वजह से मैं चाय पी रही हूँ, वरना मैं चाय बहुत ही कम पीती हूँ, मतलब बहुत ही कम पीती हूँ, ठंड में थोड़ी बहुत पी लेती हूँ क्योंकि यार गले को आराम पड़ जाता है, अदरवाइज तो गर्मी में तो मैं देखती भी नहीं हूँ चाय की तरफ। और आप लोग देख सकते हो कि कितना ही टेस्टी सा खाना यहाँ पे मुझे अब मिल चुका है मेरा ब्रंच, क्योंकि लेट हो गई हूँ ब्रेकफास्ट में तो अब इसको ब्रंच ही कंसीडर करूँगी। क्योंकि लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसने मेरी मम्मा के हाथ की गोभी आलू खाई होगी, तो जिसने भी मम्मी के हाथ की गोभी आलू खाई है वो कॉमेंट कर देगी मेरी मम्मी कैसी गोभी आलू बनाती है, और प्लीज़ आपको कॉमेंट करना है सो दैट मुझे पता लगे कि आप लोग ने मेरी मम्मी के हाथ की गोभी आलू खाई है, जिस जिसने भी खाई है। किसका बेबी है ये? किसका बेबी यहाँ पे बैठा हुआ है? किसका बेबी है? डोनट? धोनी पोनी? हेलो बोल दो धोनी पोनी, मामा भी ना है धोनी पोनी को। आप देख सकते हो मेरे बेबी को, मेरे बेबी को देख लो गाइस, ये इतना गंदा बच्चा है कि इसको मामा पीना था और इसने जंप भी नहीं करी है, जंप करने में इतना डरता है ना गाइस, इतना बड़ा हो चुका है फिर भी जंप करने में डरता है। आओ आओ चलो जंप करो, जंप जंप जंप, मेरे बेबी अकेला था गाइस। ये मेरी लाडो है, लाडो मेरा लव है, उतरे हैं ये महाराज, जब मैंने इन्हें आके उतारा है उससे पहले इन्हें प्यास लग रही थी, इन्हें पानी पीना था, बट इन्हें डर लगता है जंप करने में तो इसलिए नहीं उतर रहे थे। अब देख लो कैसे अपना मम पी रहा है। गाइस ये ना अकेले आके यहाँ पे बैठा रहता है, खुद तो नहीं आता, इसको हम ही छोड़ के जाते हैं, एक घंटा आराम से यहाँ पे सन लेता है, सन बात लेता है अपना, उसके बाद ही नीचे जाता है, क्योंकि ये जब से छोटा था ना, जब से छोटा बेबी आया था तब से इसकी हमने हैबिट डाल दी सन बात लेने की, तब से ही आता है और यहाँ पे अपना 1 आवर बैठता है, उसके बाद ही नीचे जाता है, उससे पहले तो इसे आप लेके नहीं जा सकते, और अगर ये नीचे है तो बहुत ज़िद करता है ऊपर आने की। अब देखो गर्मी, इतनी गर्मी लग गई है कि अब इसे छाया में बैठना है। डोनट भूखी लगी है? डोनू नहीं मिल रहा मुझे, डोनट कहाँ है? डोनट ये लड़का इतने टैंट्रम्स करता है ना, इतने ज़्यादा कि इसको रोटी भी हाथ से खिलानी पड़ती है, और ये देखो इसके टैंट्रम्स, अब इसे रोटी खानी नहीं है, और इसने सुबह से अभी तक सिर्फ पटेटो खाया है, बॉयल पटेटो, उसके अलावा इसने कुछ नहीं खाया है, वो भी मैंने इसको ना बहुत मुश्किल से ही खिलाया था, कि बहुत कम ही खाना खाता है लड़का, बहुत ड्रामे करता है बहुत ज़्यादा खाने में, अभी भी आप देख लो। दोनों चलो अपनी अपा खाओ, गुड बॉय गुड बॉय, कौन है गुड बॉय कौन है, ये देखो अभी भी इसने नहीं खानी है, इसने ड्रामा करना है सिर्फ।
तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल रात से मुझे बहुत ज़्यादा फटीगनेस फील हो रहा है, मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है। सेम ना मुझे 6 महीने पहले भी टाइफाइड हो चुका है, तो मुझे सेम वैसे ही सिम्टम फील हो रहा है। मतलब मुझे बिल्कुल भी बेड से भी उठने का मन नहीं कर रहा, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे गले में भी थोड़ा पेन है, और क्योंकि मुझे टॉन्सिल भी बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड भी करती हूँ कि ठंड में मैं बाहर का तो मैं बहुत ही खाती हूँ, मैं ठंड में अवॉइड करती हूँ कि मैं ठंडा कुछ ना खाऊँ। एंड सेम फील आ रहा है जैसे कि टाइफाइड में हुआ था, सेम मुझे वैसे ही सर में कांस्टेंट पेन हो रहा है। मेरी बॉडी में पूरा इतना पेन हो रहा है और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अभी तो वैसे मैंने चाय और ब्रेड खा के थोड़ा अपना पैरासीटामोल ले लिया, मम्मी ने मुझे पैरासीटामोल दे दी थी, और जब से मुझे टाइफाइड हुआ है ना, तो गाय तब से तो मेरे पास पैरासीटामोल का बंडल ही पड़ा रहता है। एंड उस टाइम पे जब मुझे टाइफाइड हुआ था 6 महीने पहले, तो यू वोंट बिलीव कि मुझे एक एक दिन में तीन तीन चार चार पैरासीटामोल खानी पड़ रही थी, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद से मैं डर भी चुकी हूँ कि यार प्लीज़ ऐसा कुछ ना हो कि मुझे फिर जाके हॉस्पिटल एडमिट होना पड़े, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को भी पता है कि मेरे को बिल्कुल हॉस्पिटल पसंद नहीं है जाना, इतनी इरिटेशन हो जाती है मुझे वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा तो मुझे कैनोला से डर लगता है ना, जब वो हाथ में सिरिंज जाती है मेरे को बहुत दर्द होता है। इवन उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरी वेंस बहुत ही ज़्यादा पतली है, उन्होंने बोला था कि आपकी वेंस ना, उन्होंने मुझे बेबी का कैनोला लगाया था उस टाइम पे भी, बेबीज़ वाला कैनोला, और वो भी मुझे इतना पेन कर रहा था, उसकी वजह से मेरे पूरे हाथ दोनों सूजे हुए थे, दोनों में स्वेलिंग आ रखी थी इतनी ज़्यादा। उन्होंने बोला था कि आपके तो बेबी का भी जो कैनोला की सिरिंज है वो भी इतना पेन कर रही है, तो इससे पतली सिरिंज तो हमारे पास है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होती कहीं पर भी। बट इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि यार प्लीज़ मेरी इतनी तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मुझे सेम टू सेम वैसा फील आ रहा है, वैसा ही मुझे मेरे पैरों में वीकनेस फील हो रही है, मुझे खड़ा नहीं होया जा रहा। आई डोंट नो, मे बी नज़र भी हो सकती है, क्योंकि मम्मी बोल रही थी ऐसा हो जाता है नज़र वगैरह वाला, एंड ऐसा है कि मैं बिलीव भी करती हूँ इस चीज़ में नज़र वाले में, क्योंकि मुझे मतलब मैं बिलीव करती हूँ अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होती है, ऐसे भी होता है, ठीक है ना, नज़र लग जाती है, तो मम्मी ने भी मेरी नज़र भी उतारी है, बट स्टिल अभी तक तो मुझे कोई फ़र्क लगा नहीं है। देखती हूँ, मैंने मेडिसिन ले ली है, और यहाँ पे मम्मी ने मुझे ग्रेप्स ला के दे दिए, मैं दिखाती हूँ आपको कि थोड़े से ग्रेप्स खा ले, क्योंकि मेरा माउथ जो है बहुत ज़्यादा ही कड़वा टाइप से हो रहा है, बहुत सोर हो रहा है मेरा माउथ। एंड अभी यहाँ पे मैंने अपना ये निकाल लिया है थर्मामीटर, एंड मैं अपना टेम्परेचर चेक करने वाली हूँ। गाइस, मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया था, और ये मेरा टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा ये देख के कि कहीं मुझे फिर से हॉस्पिटलाइज ना होना पड़ जाए, क्योंकि पहले भी मेरी सेम जो अभी कंडीशन हो रही है, सेम कंडीशन मेरी हो चुकी है, तो मुझे वही लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर से टाइफाइड हो जाए। बट आई ट्राई कि मैं ना हॉस्पिटल ना जाऊँ, मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना। एंड मैं को अभी मम्मी बोल, वैसे तो मैंने सिर्फ ब्रेड और चाय खाया है, तो मम्मी अभी मुझे बोल रही है कि तू थोड़ा खाना भी खा ले, सो दैट थोड़ा ठीक फील हो और थोड़ा रेस्ट कर ले। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा खाना खा के सो जाऊँ थोड़ी देर, ताकि मुझे आराम फील हो, ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर पाऊँ। टिल देन, बाय। तो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था और वीकनेस लग रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार अपना बीपी भी मेज़र कर लेती हूँ, क्योंकि यूजुअली मेरा बीपी लो ही रहता है, हो सकता है बीपी लो के चक्कर में ऐसा मुझे फील हो रहा हो। तो यहाँ पे मेरा बीपी मेज़र हो रहा है, देख सकते हो आप, यूजुअली तो लो ही आता है, बाकी देखो बीपी मेरा लो ही है। सिस्टोलिक मेरा 97 है और डायस्टोलिक मेरा 55 है। सिस्टोलिक ऊपर वाला बीपी होता है यूजुअली, और डायस्टोलिक होता है नीचे वाला। और हार्ट रेट भी मेरी कमी है, 91 आ रही है हार्ट रेट, हो सकता है इसलिए भी मुझे लो फील हो रहा हो, क्योंकि बीपी लो आ रहा है। यूजुअली मैं शुगर की चीज़ें बहुत ही कम खाती हूँ, हो सकता है इसलिए भी बीपी लो हो। जैसा कि मैंने आप लोग को दोपहर में ही बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और मैंने पैरासीटामोल लिया था, फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो अभी मैं शाम को डॉक्टर से दवाई लेके आई हूँ, आप देख सकते हो यही दवाई, और मुझे इंजेक्शन भी लगा है, और मैं इंजेक्शन लगवाते टाइम बहुत रोई भी हूँ। फिर भी जो डॉक्टर है उनके पास तो मैं छोटे बचपन से ही जाती हूँ, और वो हमेशा इंजेक्शन तो लगाते ही हैं चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। एंड आई नो गाइस कि व्लॉग में थोड़ा डिले हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैं बिल्कुल, मेरी जो हेल्थ है थोड़ी
इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज, इसी वजह से सिर्फ व्लॉग में थोड़ा सा डिले हो रहा है। एंड आई विल ट्राई कि जैसे मैं थोड़ा भी बेटर फील करूँगी, आई विल ट्राई कि मैं कॉन्टिन्यूस व्लॉग लेके आऊँ और आप लोगों को एंटरटेन करूँ। टिल देन आप मुझे सपोर्ट करो और मेरे इस व्लॉग को प्यार दो। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यही एंड करती हूँ गाइज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ना मौसम चेंज हो रहा है गाइज, वेदर में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, क्योंकि अब सिर्फ ना सुबह और शाम की ठंड रह गई है, दोपहर में थोड़ी गर्मी हो जाती है, जिस वजह से इसकी सन आ जाता है। इसी को आप लाइट में नहीं लेना मेरी तरह, क्योंकि मैं तो बिना एक लेयर पहन के निकल गई थी, बिना दो तीन लेयर पहने, जिसकी वजह से मुझे ठंड लग चुकी है। डॉक्टर ने बोला आपको ठंड लग चुकी है। आप लोग अपना ध्यान रखें, फास्ट फूड थोड़ा बाहर का कम खाएं, एंड आई विल ट्राई कि मैं भी यही फॉलो करूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, बाय बाय।